सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज के हमारी क्लास से सेवन्थ क्लास सब्जेक्ट हमारा साइंस, टॉपिक है हमारा आज का रेशो से बस तक। सबसे पहले हम बात करते हैं रेशे क्या होते हैं। तो रेशे जो होते हैं ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। चलिए देखते हैं, जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को, जो जंतुओं से प्राप्त होंगे वो क्या कहलाएंगे? जांतव रेशे। जांतव रेशे कहलाते हैं, ठीक है? क्या कहलाते हैं वो? जांतव रेशे कहलाते हैं। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे क्या कहलाते हैं? जांतव रेशे कहलाते हैं, ठीक है? इसके बाद है ऊन के रेशे, फाइबर भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जांतव रेशे। अभी मैंने यह परिभाषा बताया कि जो जंतुओं से प्राप्त होंगे वो जांतव रेशे, और जांतव रेशे कौन कौन से हैं? ऊन और रेशम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऊन के बारे में। ऊन जो होती है भेड़ बकरी याक व कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? भेड़ बकरी याक और कुछ अन्य जंतुओं से। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। इसके बाद इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत होती है। बालों के बीच में अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु क्या होती है? ऊष्मा की कुचालक होती है, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के बारे में। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती है। यद्यपि भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन की ही होती है। याक की ऊन तिब्बत व लद्दाख में प्रचलित है। जो याक है उसकी ऊन कहाँ पर प्रचलित है? याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में, तिब्बत और लद्दाख में, ठीक है? इसके बाद है बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। अंगोरा जो नस्ल की बकरियां है वो कहाँ पाई जाती है? अंगोरा नस्ल की बकरियां कहाँ पाई जाती है? जम्मू व कश्मीर में, जम्मू व कश्मीर में, ठीक है? इसके बाद है कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल जिन्हें फर कहते हैं होते हैं। इनसे बेहतरीन शोले बनाई जाती है जिन्हें पश्मीना शोले कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पश्मीना शोले कहते हैं। ये जो कश्मीरी बकरी होती है उसकी त्वचा क्या होती है? मुलायम होती है। उससे क्या बनाई जाती है? शोले बनाई जाती है जिन्हें क्या कहा जाता है? पश्मीना शोले कहा जाता है, ठीक है? ऊंट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका, दक्षिण अमेरिका में क्या क्या पाए जाते हैं? लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त होती है। इसके बाद है रेशों से ऊन तक। क्या होता है रेशों से ऊन तक? ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काट कर और फिर उन्हें संसाधित करके क्या बनाई जाती है? ऊन बनाई जाती है। आइए इस प्रक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं भेड़ पालन और प्रजनन। यदि हम जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो हम पाते हैं कि गड़रियों को, भेड़ों को, झुंडों को चराने के लिए ले जाते हुए हम देख सकते हैं।
भेड़ शाकाहारी होती है, वह घास व पत्तियां पसंद करती है। इसके अलावा भेड़ पालक या पालने वाले उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त मक्का, ज्वार, खली और बीज में से तेल निकाल करके बचा पदार्थ और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम भी दिए हुए हैं जिन्हें हमारे देश में ऊन के उत्पादन के लिए पाला जाता है। इसके बाद है भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, जिनमें से एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। इसके बाद है रेशों को ऊन में संसाधित करना। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्वेटर बुनने व शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा उत्पाद के रूप में परिवर्तित होती है जिसे निम्नलिखित चरण है। चरण पहला कौन सा है, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊन की कटाई कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे नाई द्वारा बाल काटने के लिए प्रयुक्त की जाती है। सामान्यतया बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ के बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं, इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट होता है जैसे कि आपको बाल कटाने तथा पिताजी को दाढ़ी बनवाने में नहीं होता है, तो इसी प्रकार से त्वचा की सबसे ऊपरी वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उग जाते हैं जैसा कि सबके उग जाते हैं वैसे। ठीक है, इसके बाद है चरण दूसरा, त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डाल करके अच्छी तरह से धोया जाता है, फिर उससे चिकनाई व धूल और गर्द निकाले जाते हैं। यह प्रक्रिया जो क्या कहलाती है, अभिमार्जन कहलाती है। उसमें से जो धूल के कण होते हैं वो गंदगी होती है उनको निकालना क्या कहलाता है, अभिमार्जन कहलाता है। आजकल अभिमार्जन जो भी है वो किसके द्वारा किया जाता है, मशीनों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है चरण तीसरा, अभिमार्जन के बाद इनकी छटाई की जाती है। रोमिल तथा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है जहाँ विभिन्न गठन वाले बालों को इनके द्वारा छाटा या पृथक किया जाता है। इसके बाद चरण चार है, अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छाट लिया जाता है जो बर कहलाते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों को पुनः अभिमार्जन करके सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद की धागों के रूप में काटे जाने के लिए उपयोग जो उपयुक्त ऊन होती है। इसके बाद चरण पाँच, रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी व सफ़ेद होती है। चरण छः में क्या होता है, अंतिम चरण को विलिंग कहते हैं। अंतिम चरण को क्या कहते हैं, विलिंग कहते हैं। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है, फिर इन्हें लपेट करके क्या बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काट करके स्वेटर की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है, अभी तक किसके बारे में पढ़ा अपन ने, ऊन के बारे में, अब पढ़ेंगे अपन रेशम के बारे में। ठीक है, रेशम सिल्क के रेशे भी जांतव रेशे होते हैं। यह हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, जंतु से प्राप्त होते हैं, तो ये कौन से रेशे होंगे, जांतव रेशे। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम कीट प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है। रेशम का जो कीट का पालन करना है तो रेशम कीट को पालेंगे तो ये क्या कहलाता है, रेशम कीट पालन कहलाता है। और इसको सेरीकल्चर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे सेरीकल्चर भी कहा जाता है। इसके बाद है रेशम कीट का जीवन चक्र। इसका जो जीवन चक्र है वो किस प्रकार का होता है, रेशम कीट के जीवन चक्र में सबसे पहले हम बात करते हैं मादा रेशम जो होती है, वो मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा
निकलते हैं जो कैटरपिलर इल्ली या रेशम कीट कहलाती है। मादा जो रेशम कीट होती है वो क्या करेगी, अंडे देती है। एक मिनट देखना, मादा रेशम कीट अंडे देती है, ठीक है। अब उनसे क्या निकलता है, लार्वा निकलता है, उनसे लार्वा निकलता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे कैटरपिलर कैटरपिलर इल्ली या रेशम कीट रेशम कीट कहते हैं। नोट कर लेना इसे, इसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन रेशम कीट के बारे में। मादा जो रेशम कीट होती है वो क्या करेगी, अंडे देगी, फिर अंडों से क्या निकलेंगे, लार्वा, और इन्हीं लार्वा को क्या कहा जाता है, कैटरपिलर इल्ली या रेशम कीट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है, ये आकार में वृद्धि करते हैं जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र को अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा या पोषित कहलाता है। अब ये जो कैटरपिलर होता है वो क्या करता है, अपनी अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो इसे क्या कहते हैं, प्यूपा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, प्यूपा या पोषित कहते हैं। जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है, यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। ये अंग्रेजी संख्या जैसे 8 बनता है ना, ऐसे 8, तो 8 एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये ले जाने का कार्य करता है, ठीक है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर होकर सूख कर रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। यह जो आवरण होता है वो क्या कहलाता है, कोकून कहलाता है। कीट का इससे आगे का विकास कोकून के भीतर ही होता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बनाने बुनने के लिए किया जाता है। इसके बाद है, रेशम का मृदु रेशा स्टील के तार का जितना मजबूत होता है। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा गठन अथवा रुक्षता चिकनाहट चमक आदि से भिन्न होता है। अतः टसर रेशम मूंगा रेशम कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे जाने वाले कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। इसमें कौन कौन से रेशम बताए हैं, टसर रेशम मूंगा रेशम और कोसा रेशम, ये क्या होते हैं, अन्य प्रकार के रेशम से विभिन्न प्रकार के किस्म के रेशम कीटों के द्वारा काटे जाने वाले कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट सहतूत रेशम कीट है। सबसे जो सामान्य रेशम कीट वो कौन सा है, सहतूत रेशम कीट। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु चमकदार एवं लचीला होता है तथा इसे सुंदर रंगों से भी रंगा जा सकता है। रेशम कीट पालन व रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत ही प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है, ठीक है। हमारा आधा लेसन कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद का लेसन जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक